हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नीज एलिमेंट से रिलेटेड काफी कुछ चीजें आज के मैं नोट्स में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैग्नीज के बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बताने वाली हूँ मैग्नीज से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में 2 से 3 बार जो है वो आ चुके हैं। तो उन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम मैग्नीज के ऑक्साइड के बारे में, इसके कितने कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इनके मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, इनका यूज क्या है, सारे चीजों के बारे में आज हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। हर बार की तरह हम फिर से आज भी पीरियोडिक टेबल में मैग्नीज का पोजीशन जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जितने हाईलाइट हुए हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम आज डिटेल में देखने वाले हैं मैग्नीज एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। आप यहाँ पे देख रहे हो जितने फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट यहाँ आप लोगों को शो हो रहा है 21 से लेकर के 30 तक, उसमें मैग्नीज जो है वो 5वें नंबर का जो है वो एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये सारे नोट्स जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास उतने ही एलिमेंट और बचे हैं जिसका आप लोगों को मैं नोट्स जो है वो देने वाली हूँ। तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, और अगर हम वर्ग की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे देख रहे हो 7वें ग्रुप में ये जो मैग्नीज है वो आता है, और इसका आवर्त वही 4 ही रहेगा, मतलब जो इसका पीरियड है वो 4 ही रहेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम के भी 4 ही थे, तो मैग्नीज के भी 4 होंगे। तो चलिए गाइस, और भी डिटेल में इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नीज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैग्नीज का जो साइन होता है वो Mn होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। ये जो है वो 7वें ग्रुप में स्थित है। सो ये सारी चीजें हम पीरियोडिक टेबल में जो है वो देख ही चुके हैं। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसके जो सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब लास्ट वाले अगर हम दो ऑर्बिटल की बात करें तो 3d5 और 4s2, मतलब 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ गाइस मैग्नीज का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मैग्नीज के प्रमुख अयस्क के ऊपर, और ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप में कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो मैग्नीज है उनके अयस्कों के नाम लिखिए विद फॉर्मूला। तो इस टाइप से क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर कीजिए, चाहे मैग्नीज की ही बात नहीं हो, पूरे 3D ऑर्बिटल में किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सारे जिनके जिनके अयस्क हैं उनके उनके सारे एलिमेंट के जो है वो नाम आप याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के लिए जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं मैग्नीज के प्रमुख अयस्क। तो ये जो मैग्नीज है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो है वो नहीं पाया जाता, मतलब फ्री नहीं पाया जाता, हमेशा किसी के साथ ही जो है ये पाया जाता है, इसलिए इसके इस प्रकार से अयस्क है। सबसे पहला पायरोलुसाइट, जिसका हम सूत्र लिखते हैं MnO2। दूसरा है ब्राउनाइट, जिसका है Mn2O3। तीसरा है हॉसमेनाइट, जिसे हम कहते हैं Mn3O4। फोर्थ है मैग्नाइट, जिसे हम कहते हैं Mn2O3.H2O। तो ये है गाइस इसका फॉर्मूला और ये है इसका नाम। चारों अयस्क के नाम आप लोगों को अच्छे से जरूर याद करना है। ये तो हुआ अयस्क के नाम। अब हम देखते हैं मैग्नीज का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। मैग्नीज अत्यंत कठोर एवं हल्के भूरे रंग का मेटल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल के जितने भी एलिमेंट है वो सॉलिड होते हैं, और वो जो होते हैं वो मेटल होते हैं, मतलब धातु होते हैं और कठोर होते हैं। तो ये जो मैग्नीज है वो भी अत्यंत कठोर होता है, मीन्स हार्ड होता है, और हल्के भूरे रंग का जो है ये मेटल है। इसका जो गलनांक है, मतलब मेल्टिंग प्वाइंट है, वो 1244 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जो भी मेटल होते हैं उनका जो मेल्टिंग प्वाइंट है हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो हमें ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो आवश्यकता होगी। उसी प्रकार अगर हम इसके बॉइलिंग प्वाइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो 2060 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो बॉइलिंग प्वाइंट है। मैग्नीज जो है वो अनुचुंबकीय होता है। ये तो हुआ मैग्नीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसके यूजेस, आखिर मैग्नीज का जो है वो यूज क्या क्या किया जाता है। इस्पात निर्माण में किया जाता है और मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु मतलब इसमें जो है वो अन्य एलिमेंट को जो है वो मिला करके एक अलग प्रकार का मेटल तैयार किया जाता है, तो उसे हम मिश्र धातु या मिक्स मेटल जो है वो हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के लिए भी मैग्नीज का जो है वो यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में हम देखते हैं सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन। सो गाइस, इसका जो केमिकल रिएक्शन है बहुत ही इजी है।
हमें मैग्नीज के साथ वाटर का जो है वो रिएक्शन कराना है Mn2H2O, तो इसमें जो है वो H2 जो है वो रिलीज होगा और MnOH2 हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अम्ल से इसका रिएक्शन कराए, मीन्स एसिड से इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं MnH+H2SO4 जो कि एक अम्ल है, तो अगर हम Mn+H2SO4 इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें MnSO4+H2 यहाँ पे प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन में भी H2 जो है वो यहाँ से रिलीज होगा और ये जो SO4 है वो Mn के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं अधातुओं से रिएक्शन, मतलब अगर हम नॉन मेटल चीजों से अगर हम इसका रिएक्शन कराएं मैंगनीज का तो क्या होगा। नॉन मेटल थिंग जैसे कि कार्बन, अगर हम मैंगनीज का रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो मैंगनीज कार्बाइड जो है वो बनता है, मतलब Mn3C। तो ये है गाइस छोटा सा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, मैग्नीज की ही बात नहीं है, सारे एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी टाइम जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जरूरी ये है कि सारे एलिमेंट का आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो याद होना ही चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था समझ में नहीं आता है कि +2, +3, +4 क्या होता है, तो इसे मैंने आप लोगों को डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। जो टाइटेनियम वाला, टाइटेनियम एलिमेंट वाला जो नोट्स है वहां पे जाकर के आप देख सकते हो कि आखिर ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है और ये +2, +3 जो है वो क्या होता है। तो चलिए अब हम मैग्नीज का देख लेते हैं। मैग्नीज समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है वो 3D5 4H2 है, जैसे कि हमें पता है 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4H में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। यदि 7 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज किया जाए तो इसकी अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का जो है वो यूज हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से जो है वो निकल रहे हैं वो जो है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कहलाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देख लीजिए D5 और 4H2, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, 7 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिलीज होते हैं तो उस आयन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 हो जाएगा। +3 है मतलब वहां से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो इस प्रकार जो है ये ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो अगर हम बात करें मैग्नीज की कितने प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हो +7 मतलब 0 से लेकर के +7 तक ये ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो प्रदर्शित करते हैं। 0, +1, +2, +3, +4, +6, +7 तो ये सारे इसके जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद हम इसमें सामान्य यौगिक की देखते हैं, मतलब जो भी कंपाउंड इस ऑक्सीकरण अवस्था में जो है वो बनते हैं। तो अगर हम 0 ऑक्सीकरण अवस्था वाले मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो MnCO5 होगा। सो गाइज ये जो आपका कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो इतना आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो कम से कम 3 मार्क्स के जो है वो आएंगे ही। तो केवल अगर आप +1, +2, +3 लिखोगे तो उतने में अच्छे मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जरूरी ये है कि इस प्रकार के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कौन कौन सा कंपाउंड बनता है उसे भी आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं +1 में यहाँ पे बना है MnCO5Cl, उसी प्रकार +2, +3 तो ये सारे कंपाउंड के नाम आप लोगों को याद करना है। तो चलिए हम ऑक्सीकरण अवस्था का और भी कुछ कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉलम बनाने के बाद आपको छोटे छोटे कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने होंगे, तभी आपका नोट्स जो है वो बड़ा बनेगा। सिर्फ कॉलम बनाने से ही काम नहीं चलने वाला गाइस, तो आप कॉलम से ही रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे बना करके जो है वो लिख सकते हो। जैसे कि Mn+2 अवस्था जो है वो सर्वाधिक स्थायी होती है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब Mn का मैग्नीज का जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें +4 तो यहाँ पे MnO2 इसका जो है वो कंपाउंड है, तो ये जो MnO2 होता है वो इसके मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट में जो है वो पाया जाता है, तो ये चीज आप लिख सकते हो। थर्ड यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि Mn7 मतलब +7 अवस्था KMnO4 कंपाउंड के रूप में जो है वो ज्ञात है। तो जितना आप कॉलम में जो जो लिखे रहोगे उसे आप पॉइंट बना करके यहाँ पे जो है वो लिख सकते। मैग्नीज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 1 से 2 बार जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीज का क्षारीय गुण उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है क्यों। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो परिवर्तित होते जाता है, बदलते जाता है, वैसे वैसे उसकी जो बेस क्वालिटी है, मतलब जो उसका क्षारीय गुण है, वो क्यों चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे, मैग्नीज अपनी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक क्षारीय तथा उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक अम्ली होता है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि मान लो ये मैंगनीज का प्लस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है, वो जो मैग्नीज होता है वो अपना अम्लीय गुण जो है वो प्रदर्शित करते जाता है। मतलब कम जो ऑक्सीकरण कम ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है उसमें वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और जो अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसमें अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे जैसे प्लस टू प्लस थ्री ऐसा बढ़ते जाता है, वो जो मैग्नीज है वो अम्लीय होते जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैग्नीज है, मतलब अपनी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा, मतलब बेस क्वालिटी प्रदर्शित करेगा, और जैसे जैसे उसको ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बढ़ते जाएगा वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे वो शो करेंगे। तो मैग्नीज प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था में जो Mn2O7 बनाता है, जो कि प्रबल अम्लीय होता है, मतलब अगर हम इसके मैग्नीज प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्लस सेवन होता है, अगर हम उसके नेचर की बात करें तो वो एसिडिक होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे उच्चतर है। इस प्रकार मैग्नीज की निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था से उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ क्षारीय गुण कम होते जाते हैं तथा अम्लीय गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मैग्नीज का जो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था रहता है, मतलब सबसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, उसमें वो बेस प्रॉपर्टीज जो है वो प्रदर्शित करते हैं, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है गाइस एग्जाम में, तो आप लोग 3 पॉइंट आप लोगों को लिखना होगा कि ऐसा होता है। यहाँ पे बस इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज होता है मैग्नीज का, तो क्या उसके बेस प्रॉपर्टीज पे जो है वो कुछ इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके क्षारीय गुणों में कुछ परिवर्तन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे परिवर्तन होता है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बढ़ते जाता है, जो मैग्नीज है उसका क्षारीय गुण जो है वो कम होता चला जाता है, और वो जो है वो अम्ल बनते जाता है। तो ये है गाइस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम आगे इसके और भी नोट्स जो है वो देख लेते हैं। देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्नीज के विभिन्न ऑक्साइड। सो गाइस जितने भी एलिमेंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट में, जो ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड है वो काफी टाइम्स एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप हम जो है वो बाइनरी कम्पाउंड जो है वो पढ़ेंगे, बाइनरी कम्पाउंड जिसे हम कहते हैं द्विअंगी यौगिक। अगर एग्जाम में मैग्नीज के बाइनरी कम्पाउंड आता है तो भी आप लोगों को यही लिखना होगा, मैग्नीज के ऑक्साइड आप लिख सकते हो बाइनरी कम्पाउंड में। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो प्रकार के एलिमेंट मिल करके जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो मैग्नीज के बाइनरी कंपाउंड में क्या होगा, मैग्नीज के साथ कोई अदर एलिमेंट जुड़ करके एक नया यौगिक या एक नया कंपाउंड जो है वो बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा होगा, मैग्नीज के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा होगा। अगर हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सेवन, तो अलग अलग ऑक्सीकरण स्टेट में ये अलग अलग टाइप के ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। इसी चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैग्नीज प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में MnO बनाता है, प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में Mn2O3 Mn3O4 टाइप के जो कंपाउंड है उसे बनाते हैं, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO2 बनाते हैं, प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO2O7 बनाते हैं। तो ये है गाइस, अब हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर इसे हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैग्नीज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लेते हैं, मैग्नस ऑक्साइड यहाँ पे बना हुआ है जिसका फॉर्मूला है MnO। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, MnO2 के साथ H2 का जो है वो रिएक्शन करा के इसे आपस में जो है वो हम गर्म कर देंगे। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इसे मैग्नीज के किसी ऑक्साइड का H2 द्वारा अपचयन करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो है MnO2 मैग्नीज का कोई और ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीज के किसी और अन्य ऑक्साइड के साथ H2 का अपचयन करके हम जो है वो मैग्नस ऑक्साइड MnO जो है वो प्राप्त करते हैं, और यहाँ से जो वाटर है वो रिलीज होता है। मतलब इसमें का जो एक ऑक्सीजन है वो इस H2 के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और वाटर के रूप में यहाँ से जो है वो निकल जाते हैं, और हमारे पास MnO जो है वो प्राप्त हो जाता है। यह हल्के हरे रंग का ठोस होता है जो कि क्षारीय होता है और अम्लों में घुलनशील होता है। मतलब अगर हम इसे एसिड में घोले तो ये आसानी से जो है वो घुल जाता है। ये तो हुआ, अब हम देखते हैं मैग्नीज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए MnO2O3। तो आखिर ये MnO2O3 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीज थ्री ऑक्साइड। मैग्नीज थ्री मतलब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड का ये जो कंपाउंड बना है MnO2O3। तो इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं।
यह मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है वो गर्म करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो 4MnO2, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें जो है वो MnO2O3 मतलब 2MnO2O3 प्लस ऑक्सीजन O2 जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम MnO2 4MnO2 को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें जो है वो मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होती है। इसे लाल ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये जो ऑक्साइड है वो लाल कलर का होता है, इसलिए इसे रेड ऑक्साइड भी जो है वो हम कहते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को जितने भी ऑक्साइड बता रही हूँ उसे आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे एलिमेंट के ऑक्साइड मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, सारे एलिमेंट के ऑक्साइड की आप लोगों को तैयारी जरूर करना है। थर्ड नंबर में है मैग्नो मैग्निक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Mn3O4, मतलब ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मैग्नीज का ही ऑक्साइड है। यह हॉस्मेनाइट खनिज के रूप में जो है वो पाया जाता है। इसे मैग्नीज के किसी भी ऑक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का जो है वो ऑक्साइड होता है। तो सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे, जो मैग्नीज के अन्य ऑक्साइड है उसे जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमें मैग्नो मैग्निक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। चौथे नंबर में आता है मैग्नीज 4 ऑक्साइड, जिसे MnO2 जो है वो कहा जाता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, मैग्नीज नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीज नाइट्रेट MnNO32, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें मैग्नीज 4 ऑक्साइड MnO2 जो है वो प्राप्त हो जाता है और यहाँ से 2NO2 जो है वो बाहर निकलता है। यह काले रंग का चूर्ण है जो जल में नहीं घुलता है, अगर हम इसे जल में घोले तो ये नहीं घुलेगा। यह व्यावसायिक महत्व इसका जो है वो महत्वपूर्ण ऑक्साइड है, मतलब इसका जो है वो व्यावसायिक जो है वो अत्यधिक महत्व रखता है। ये जो ऑक्साइड है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये है आपका मैग्नीज 4 ऑक्साइड। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा नंबर है मैग्नीज 7 ऑक्साइड, जिसे MnO2O7 जो है वो कहा जाता है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, 2KMnO4 के साथ जब हम H2SO4 का जो है वो रिएक्शन कराते हैं, मतलब जब हम इसे आपस में मिलाते हैं, तो तेल के रूप में हमें ये प्राप्त होता है 2KHSO4 प्लस MnO2O7 प्लस H2O, मतलब यह लाल भूरा तैलीय द्रव है। अगर हम इसे मिलाते हैं तो ये तेल के समान ऑयली जो है वो चिपचिपा हमें जो है वो प्राप्त होता है और यह जल में बैंगनी रंग का जो है वो विलयन बनाता है। अगर हम इसे पानी में घोल दें तो पर्पल कलर का हमें यहाँ पे जो है वो विलयन प्राप्त होगा। तो ये है गाइस मैग्नीज के ऑक्साइड। अब हम इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से देखने वाले हैं, जिसे कहेंगे मैग्नीज के कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेंगे। इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं मैग्नीज के संकुल, मतलब मैग्नीज जो है वो कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो अगर आप 5-6 एग्जाम्पल लिखते हो तो इतना काफी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो मैग्नीज है +2 के संकुल, मतलब जो मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले जो मैग्नीज है वो कितने टाइप के जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मैग्नीज +2 है वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आखिर इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या हो सकता है, ये दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक तो उच्च चक्रण संकुल मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा निम्न चक्रण संकुल मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आखिर ये जो संकुल है, ये जो इनके जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्थायी होने के क्या कारण जो है वो हो सकते हैं। तो Mn2+ में देखते हैं जो 3d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये काफी स्थायी होते हैं, मतलब ये जो है वो काफी स्टेबल होते हैं। क्योंकि देखिए d ऑर्बिटल में टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पे केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जस्ट हाफ है। तो पूरा भरा हुआ और आधा भरा हुआ ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए ये जो मैग्नीज +2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो काफी स्थायी होते हैं। तो अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज 2+ जो आयन होते हैं उनके जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो अधिक स्टेबल क्यों होते हैं, तो आप लोग ये रीजन जो है वो लिख सकते हो। यह मैग्नीज 2 सबसे अधिक स्थायी होते हैं। इनके जो अधिकांश कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब अष्टफलकी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये दो एग्जाम्पल जो है वो इसमें लिख सकते हो। देन उसके बाद हम देखते हैं निम्न चक्रण संकुल, जिसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे भी आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हो और ये सभी कॉम्प्लेक्स जो है वो गहरे रंग के होते हैं। मैग्नीज 3 के संकुल की बात करें, इनके 3d ऑर्बिटल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये स्थायी होते हैं, बट उतना ज्यादा स्थायी नहीं होते, +2 के अपेक्षा ये कम स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे भी आप दो एग्जांपल इसके लिख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, मतलब उपसंयोजक संख्या की बात करें, तो MnCl5 2- का 5 होगा और MnCn6 3- का जो है वो 6 होगा। तो अगर आप इतना भी कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते हो तो ये काफी है गाइस। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। आई नो थोड़ा लेंदी है,
बट आप लोगों को इसकी तैयारी जो है वो पूरी करनी होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।